हेलो एवरीवन, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने फाइल मेनू के सभी ऑप्शंस को पढ़ लिया था, आज हम एडिट मेनू के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं एडिट मेनू के ऑप्शंस को। एडिट मेनू में सबसे पहला जो ऑप्शन हमें मिल जाता है अंडू। अंडू क्या काम करता है? अंडू हमारे वर्क को एक स्टेप बैक, एक स्टेप पीछे लेके जाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, इस तरीके से कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हैं या कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, इतना करने के बाद अब कोई वर्ड है या कोई ऑब्जेक्ट है आपका आपसे डिलीट हो जाता है। अब आप चाहते हैं उसे वापस लाना है तो एडिट पे जाके आप अंडू पे क्लिक करते हो, तो ये क्या करता है, जो भी हमारा डिलीटेड कंटेंट होता है, क्लियर कंटेंट होता है, उसे बैक लाने का काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है कट कॉपी पेस्ट। इसका क्या काम होता है? कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके लिए पहले हम पेज पे कुछ काम करते हैं इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे कुछ मैटर लिखा इस तरीके से, इस तरीके से हमने कुछ मैटर लिखा। अब हम चाहते हैं ये जो हमारी हेडिंग है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसको हम यहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह पे रखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसका सिलेक्शन लेते हैं इस तरीके से माउस के लेफ्ट को ड्रैग होल्ड करके, और एडिट में आके यहाँ से आके हम कर देते हैं कट। अब वो मैटर देखिए वहाँ से कट हो गया। अब जहाँ पर भी आप उसे रखना चाहते हैं वहाँ पर आप कर्सर लाइए एंटर करके और ऑप्शन पर जाके यहाँ से कर दीजिए पेस्ट। तो इस तरीके से कट पेस्ट का यूज़ होता है मैटर को एक जगह से हटाकर किसी दूसरी जगह पर रखने के लिए। अब यही काम आप शॉर्टकट की से करना चाहें तो कट की शॉर्टकट की हो जाती है कंट्रोल प्लस एक्स, और पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है क्लियर, यानी कि यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है। क्लियर हम बाद में पढ़ते हैं, कट कॉपी पेस्ट, यहाँ पे हमने कट पेस्ट पढ़ा, नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है कॉपी पेस्ट। अब हम चाहते हैं ये मैटर हमें यहाँ पे भी चाहिए और इसको मल्टीपल टाइम हम पेस्ट भी करा सके, तो हम क्या कर लेते हैं उसे एक बार हम कॉपी कर लेते हैं और आप इसे चाहें जितनी बार चाहें इस तरीके से पेस्ट करा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की हो जाती है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है क्लियर। क्लियर हमारा डिलीट का काम करता है, जितने भी मैटर को आप सेलेक्ट करते हैं उसे डिलीट करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेंगे और यहाँ से आके कर देते हैं क्लियर, उतना मैटर आपका क्लियर हो जाता है इस तरीके से। अब जो डिलीटेड वर्ड होते हैं उन्हें वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, अंडू। और अंडू आपका इस पर कभी कभी ही वन टाइम काम करता है, बाकी नहीं चलता ये, आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी ये नहीं चलता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल जाता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का क्या काम होता है? सेलेक्ट ऑल का काम होता है हमारे पेज पे जितना भी मैटर होता है उसे एक बार में सेलेक्ट करने का काम करता है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं हमारे पेज पे जितना भी मैटर होता है वो सारा एक बार में इस तरीके से सेलेक्ट हो जाता है। तो क्लिक करिए और सेलेक्ट ऑल। अब जैसे अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर सेलेक्शन ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे आके सिलेक्शन लिया, अब अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन हटाना है तो यहाँ से आके कर देते हैं डीसेलेक्ट। यहाँ से आपका पूरा मैटर एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से डीसेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए, ये आपके पेज पर जितना भी मैटर होता है उसे एक बार में सेलेक्ट कर लेता है। और अगर आप सिलेक्शन हटाना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ ए को आप प्रेस करते हैं तो ये आपका सिलेक्शन हटा देता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है पेस्ट मल्टीपल। पेस्ट मल्टीपल का काम क्या होता है? जैसे अगर हम यहाँ पे किसी मैटर को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो उसे पेस्ट कराने के लिए हमें बार बार यहाँ पे कंट्रोल वी या पेस्ट पे जाके क्लिक करना होता है, लेकिन हम चाहते हैं बार बार हमें कंट्रोल वी का यूज़ ना करना पड़े, जितनी बार हम चाहें नंबर दे के उसे पेस्ट करा सके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए पहले हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया।
अब मान लीजिए हम चाहते हैं इसे हमें मल्टीपल टाइम पेज कराना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ एडिट पे आके यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद आप इसको जितनी बार भी पेस्ट करना चाहते हैं पेस्ट मल्टीपल पे क्लिक करिए। अब आप इसे कितनी टाइम पेस्ट कराना चाहते हैं, 9 टाइम 10 टाइम जितनी भी टाइम्स आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट और वर्टिकल ऑफसेट, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट जब पेस्ट होके आए तो उनके बीच में कितनी गैपिंग्स रहे, कितनी कितनी दूरी पे वो हमारे पेस्ट होके आए। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से नंबर्स दे दिया, आप जितना भी रखना चाहते हैं जितनी भी दूरी पे रहे, तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। इतना करने के बाद यहाँ से ओके करते हैं, आप देखेंगे आपने जितने नंबर्स दिए थे उतनी टाइम्स आपका ये पेस्ट होके आ गया इस तरीके से। अब आप चाहें तो इसको इस तरीके से अलग अलग इनकी पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो पहले सेलेक्ट ऑल करिए और यहाँ से आके डिलीट। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का काम होता है अलग अलग फॉर्मेट में कंटेंट को पेस्ट कराने के लिए। तो सबसे पहले हम एक पेंट के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आके हमने पेंट के सॉफ्टवेयर को ओपन किया और यहाँ पे आके हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम वापस से पेज मेकर के सॉफ्टवेयर पर आ जाते हैं। अब एडिट पर आके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हैं। अगर आप पेंट ब्रश पिक्चर इसको लगा के आप पेस्ट करते हैं तो जो भी काम आपने पेंट पे किया था वो आपका इस तरीके से पेस्ट होके आ जाता है। अब जब आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आप फिर से पेंट के सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं और यहाँ पे चेंजेस करा के आप देखेंगे यहाँ पे अपडेट भी हो जाता है। तो पहला फॉर्मेट आपका इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट इसी में आते हैं, अगर हम विंडो मेटा फाइल लगा के पेस्ट करते हैं तो ये इस तरीके से पेस्ट होके आता है, लेकिन जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पहला हमारा बिटमैप के फॉर्मेट में था, इसीलिए डबल क्लिक करने पर हम वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से हम अलग अलग फॉर्मेट में अपने कंटेंट को पेस्ट करा के काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का काम होता है किसी अदर सॉफ्टवेयर पे काम करके आप उसे अपने सॉफ्टवेयर पे ला सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर के नाम शो हो रहे होते हैं। अब जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप काम करके पेज पे लाना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करिए। जैसे मान लीजिए हम बिटमैट इमेज यानी कि पेंट के सॉफ्टवेयर पे कोई वर्क करके अपने पेज मेकर पे लाना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देते हैं। अब आप देखेंगे आप कहाँ पे आ गए हैं, पेंट के सॉफ्टवेयर पे। अब यहाँ से आप जैसे ही कोई काम करते हैं और क्लोज बटन से क्लोज करते हैं वो आपके पेज मेकर पे शो होने लगता है। आप ना केवल पेंट के सॉफ्टवेयर, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाके काम करके ला सकते हैं पेज पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर शो कर रहे हैं, जिस पे भी आप जाना चाहें जाकर काम कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के बारे में आगे आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है एडिट स्टोरी। एडिट स्टोरी का काम क्या होता है, जैसे अगर हम कोई स्टोरी राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन इस ऑप्शन को चलाने के लिए पहले आपको लेआउट में आना होता है और ऑटो फ्लो ऑप्शन को ऑन कर देना होता है। ऑन करने के बाद आप एडिट में आ जाइए और एडिट लेआउट पे क्लिक कर दीजिए। अब हमें यहाँ पे कोई स्टोरी टाइप करना है, जिससे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा। आपको जो मैटर यहाँ पे लिखना है थोड़ा कंटेंट आपका ज़्यादा होना चाहिए, तो हम यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इससे पहले जो हमने कॉपी पेस्ट का ऑप्शन पढ़ा आप उसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे स्टोरी टाइप तो कर दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमारा कितने पेजेस में आएगा। हमने काम यहाँ पे किया इस तरीके से, बहुत सारा किया है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि कितने। अभी तो एक नॉर्मल एक पेज में हमें शो कर रहा है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कितने पेजेस पर हमारा ये कंटेंट आएगा। तो उसके लिए हम एडिट पर आ जाते हैं और एडिट लेआउट पर आके क्लिक कर देंगे और यहाँ पर क्लिक। अब आप देखेंगे यहाँ पर टास्क में शो कर रहा है टाइटल में आपके पास ये जो कंटेंट वो कितने पेजेस में आया है, 31 पेजेस में आया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई स्टोरी राइट करना है उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं।
अब आप देखेंगे कितने पेजेस आपके पास आए और डबल साइडेड में आए, जिससे बुक्स हमारी प्रिंट होती हैं उसके फॉर्मेट में यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम स्टोरी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपने स्टोरी राइट कर लिया, आपने उसमें देखा जो भी कंटेंट आपने वहाँ पे लिखा, पेज पे लाने के बाद हमें ये पता चल गया कि वो हमारा मैटर कितने पेजेस में आया है। तो इस तरीके से अगर हम कोई स्टोरी राइट करते हैं तो हम एडिट स्टोरी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ऑटो फ्लो ऑप्शन का ऑन होना ज़रूरी है। अगर आप उसको ऑन नहीं कराते हैं तो आपका ये ऑप्शन नहीं चलता है। तो इस तरीके से हमारे एडिट के ऑप्शंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट, यहाँ पे लेआउट ऑप्शन पे आ जाते हैं। लेआउट में सबसे पहला जो ऑप्शन हमें मिल जाता है गो टू पेज। गो टू पेज क्या करता है, डायरेक्टली हमें किसी भी पेज पे पहुँचाने का काम करता है। तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले हमारे पास पेजेस होने चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा होता है इंसर्ट पेजेस, तो यहाँ से आके हम पेजेस इंसर्ट करा लेते हैं। इसके बारे में हम अभी और डीपली पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ पेजेस इंसर्ट करा लिए और हर पेजेस पे हमने यहाँ पे कुछ वर्क किया। इस तरीके से काम कर लिया हमने। अब गो टू पेज क्या करता है, डायरेक्टली हमें किसी भी पेज पे पहुंचाने का काम करता। अब आप एक एक करके जाने के बजाय इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। गो टू पेज पे क्लिक करेंगे, अब जिस भी पेज पे जाना चाहते हैं, जैसे अभी आप पेज नंबर 2-3 पे हैं, अब आप चाहते हो कि आपको पेज नंबर 5 पे जाना है या 6 पे जाना है, नंबर ऑफ पेज यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से ओके को प्रेस करते हैं। अब आप देखेंगे आप पेज नंबर 5 पे, यानी आपका जो कर्सर है वो पेज नंबर 5 पे आ गया है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली गो टू पेज से डायरेक्टली भी किसी पेज पे जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है इंसर्ट पेजेस। इंसर्ट पेजेस का काम क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक पेज इंसर्ट होके आता है, लेकिन अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से और पेजेस ऐड कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड भी करा सकते हैं। इंसर्ट पेजेस पे क्लिक करते हैं, आपको जितने भी पेजेस चाहिए, जैसे आपको 5 चाहिए, 10 चाहिए, 6 चाहिए, आप यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस दीजिए। अब यहाँ पे पोजीशन, यानी कि आप जो पेज ले रहे हैं वो बिफोर पेजेस, यानी इन पेजेस जो आपके पास हैं पहले से पेजेस, उनके पहले आप लेना चाहते हैं, या फिर आफ्टर, यानी कि इनके बाद में लेना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लगा दिया आफ्टर पेजेस। उसके बाद यहाँ पे मास्टर डॉक्यूमेंट लेना है या नॉर्मल रखना, यहाँ से आप मास्टर के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास पेजेस इंसर्ट होके आ गए हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इंसर्ट पेजेस से जितने चाहे पेजेस इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है रिमूव पेजेस का। रिमूव पेजेस का काम क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे बहुत सारे पेजेस इंसर्ट करा सकते हैं जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, आप रिमूव करना चाहते हैं, तो आप रिमूव पेजेस पे क्लिक करिए। रिमूव पेजेस पे क्लिक करने के बाद आप कहाँ से कहाँ तक पेजेस को हटाना चाहते हैं, तो रिमूव पेजेस में हम यहाँ पे डाल देते हैं 2, और कहाँ तक आप रिमूव करना चाहते हैं हमने यहाँ पे लिखा 12, यानी पेज नंबर 2 से लेके 12 तक हम रिमूव करना चाहते हैं, नंबर ऑफ पेजेस हमने यहाँ पे दिया। इतना करने के बाद ओके कर देते हैं और यहाँ से ओके। अब आप देखेंगे आपके पेजेस रिमूव हो गए, लेकिन पहला पेज आपका है क्योंकि हमने वहाँ पे पेज नंबर 2 से लिखा था। तो इस तरीके से हम पेज को इंसर्ट भी करा सकते हैं, अगर आप उसे रिमूव भी करना चाहते हैं रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है शॉर्ट पेजेस। शॉर्ट पेजेस का काम क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए पेजेस लिए हैं इस तरीके से, और इन पेजेस पे हमने कुछ वर्क किया हुआ है, सपोज़ ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए हमने, अब आप चाहते हैं
यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन पे क्या मिल रहा है आपको, ऑप्शन शॉर्ट पेजेस। जैसे ही आप शॉर्ट पेजेस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक शॉर्ट पेजेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाता है। इससे क्या होता है, आपके पास जितने भी पेजेस ओपन होते हैं वो इस तरीके से छोटे छोटे से शो कर रहे होते हैं। अगर आप इन्हें जूम करके देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप जूम करके और यहाँ से जूम आउट करके देख सकते हैं। ओके पे क्लिक करके नॉर्मल कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है गो बैक, यानी ये पीछे जाने का काम करता है। इस तरीके से पेजेस पे बैक कितना क्लिक करेंगे आप पीछे जाएंगे। अगर आप यहाँ पे गो फॉरवर्ड करते हैं तो आगे की तरफ आप आएंगे इस तरीके से आगे के पेजेस पे। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे कॉलम गाइड्स का, तो इसके लिए पहले हम पेजेस को रिमूव कर देते हैं। हम यहाँ पे पेज नंबर 2 से लेके 6 तक के पेजेस को रिमूव करना है। ओके करके क्लिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है कॉलम गाइड। कॉलम गाइड का काम क्या होता है, अगर आप अपने पेज पे कॉलम्स बना के कुछ काम करना चाहते हैं, कॉलम ऐड कराना चाहते हैं, तो यहाँ से आके आप कॉलम्स को ऐड भी करा सकते हैं। तो उसके लिए हम कॉलम गाइड पे क्लिक कर देते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम यानी आप कितने कॉलम्स इंसर्ट कराना चाहते हैं अपने पेज पे, हमने नंबर ऑफ़ कॉलम 5 दिए। स्पेस बिटवीन कॉलम यानी कि हमारे पास जो कॉलम ऐड होके आए उनके बीच में कितनी स्पेसिंग रहे, इतना करने के बाद ओके कर देते हैं। आपके पास ये कॉलम ऐड होके आ जाता है। अब अगर आप इन कॉलम्स में कुछ काम करना चाहते हैं तो आप क्लिक करके यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। बाकी फॉन्ट के ऑप्शन आपने पढ़ ही लिए थे, इनकी साइज़ को बढ़ाना है या काम करना वो आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। इस कॉलम में करना है तो इसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉलम बना के पेजेस पे वर्क भी कर सकते हैं। अगर आप कॉलम्स को हटाना चाहते हैं तो कॉपी मास्टर गाइड पे क्लिक कर देते हैं, ये हमारे पेज पे कॉलम्स को रिमूव करने का काम करता है। ऑटो फ्लो ऑप्शन हमने एडिट स्टोरी के साथ पढ़ा अभी, तो इस ऑप्शन का यूज़ हम एडिट स्टोरी के साथ करते हैं। सो आई होप आपको एडिट मेन्यू और लेआउट मेन्यू के ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। आगे के ऑप्शन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।